سینات पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट साहिब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जो स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा है, डॉक्टर अली मदशर साहब, सैयद जलाल अली शाह साहब, बख्तावर साहब और दीगर जो हमारे साथी है, और यासीन के मोतबरात पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और मेरी धरती के गयूर फरजंदान, अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरे भाई मेरे बहनें सबको मेरी तरफ से सलाम। और उसके साथ मैं चूँकि चाहता ये था कि अयूब भाई को मैं मुबारकबाद देने के लिए आराम से मैं आ जाऊँ, ये पीपल्स पार्टी का जलसा है, अपनी पार्टी का जलसा, अपने मामलात अपने पार्टी की चीज़ें करेंगे तो हम बाद में आकर मुलाकात करेंगे, लेकिन अयूब भाई ने स्ट्रेस किया बहुत ज़्यादा, मुझे मजबूर किया कि आप आ जाए, लोग आपको कैसा मुलाकात करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी देर से ही सही लेकिन आया। तो इसमें आपने जिस खुलूस मोहब्बत और अकीदत के साथ मुझे वेलकम कहा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका ममनून मशकूर हूँ, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत ज़्यादा अकीदत, आपका एहतराम, ये सारी चीज़ें देख के मैं यकीनन मुतासिर हूँ, चूँकि यासीन मेरे लिए कोई गैर जगह तो है नहीं, हम आते रहते हैं, हमारा अपना इलाका है, हमारी अपनी जगह है, हमारा अपना घर है। लेकिन आप ये भी न सोचे कि मैंने अयूब भाई को एक वोट कास्ट किया तो बहुत कोई बड़ा एहसान किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक चीज़ आप देख ले, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि इस नफसा नफसी और इस तासुबाना दौर में दो मेंबर बल्तिस्तान के हैं, पीपल पार्टी के दो गिलगित के हैं, हमारे इलाके में अलाकाइयत भी चलती है, फिरकवारियत भी चलती है, नस्ल भी चलती है, पैसे भी चलते हैं, सब कुछ यहाँ होता है, इसके बावजूद दो बल्ती, दो गिलगिती, तीन शिया, एक नूरबख्शी होने के बावजूद इस पार्टी ने अगर एक टिकट एक गेजर के फर्जन और एक इस्माइली फिरके से तारुक रखने वाले आदमी को दिया है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा एक वोट कास्ट न करना या किसी और को करके कोई गड़बड़ पैदा करना, ये मेरी धरती के साथ गद्दारी के मुतरादिफ थी, इसलिए मैंने आखिर एक चीज आके ये सारे लोग चीजें कर करा के एक एंड पे आ जाए और मैं रिकावट डालूं, तो मेरे ख्याल में इस जिले का, इस इलाके का जाती तौर पर अयूब शाह का तो मैं तो दुश्मन साबित होऊंगा। ना जी तेरा नाम रहेगा, ये तेरा एहसान रहेगा। ना जी तेरा नाम रहेगा, ये तेरा एहसान रहेगा। ना जी तेरा नाम रहेगा, ये तेरा एहसान रहेगा। तो इसी वजह से मैं पीपीपी का मशकूर हूँ, चूंकि तहरीक इंसाफ का भी एक आदमी जीत के इस जिले से गया है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी एक फर्जन यहाँ से जीत के गया है, दोनों पार्टियों में से तो किसी ने यहाँ नहीं तवज्जो दी, अगर वो भी तवज्जो देते तो यकीनन मैं उनको भी दे देता, ऐसी कोई बात तो नहीं थी। मैंने मुस्लिम लीग को बारहा कहा कि डिस्ट्रिक्ट गजर तो छोड़ दे, सब ये डिवीजन गिलगित के किसी आदमी को दे दे, इसके बावजूद भी तवज्जो नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ का तो इस तरफ कोई रुझान ही नहीं था, वो तो कुछ और चक्कर में थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा बहुत बड़ा कोई आपके ऊपर एहसान कहने का नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी का ही इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एहसान है कि एक आदमी को टिकट दिया, तो अब हम सबका भी फर्ज बनता है था
कि यकीनी तौर पर उसको कामयाब बनाने के लिए किसी न किसी हवाले से हम कोशिश करें। और दूसरी बात ये जनाब कि ये इस इलाके के अंदर ये चीज़ें देख के भी इंतहाई दुख होता है। लोग हमसे तवक्कु रखते हैं कि बड़ा दिल रखे, लोग हमसे तवक्कु रखते हैं जनाब अली तासुबात से बाहर आ जाए। और जनाब अली हम खुद ही लोगों को कहते हैं जनाब अली मजहबी चीज़ों को छोड़ दें, नस्ली चीज़ों को छोड़ दें, इलाकाई चीज़ों को छोड़ दें। तो जब हम खुद भी कहते हैं, हमसे तकाजे भी दूसरे लोग करते हैं, लेकिन दूसरे लोग कोई खुद करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसे ही तवक्कु करते हैं कि ये छोड़ दे, मजहब छोड़ भी दे तो यही लोग छोड़ दे, नस्ल छोड़ दे तो यही लोग छोड़ दे, इलाका छोड़ दे तो ये लोग छोड़ दे, बाकी लोग भी तो छोड़े ना थोड़ी बहुत। ये छह नशस्तें हैं, छह में से दो अस्तूर तहसील के लिए है, दो चलास तहसील के लिए है, बाकी दो में से एक बल्तिस्तान, चार डिस्ट्रिक्टों में है। हम भी ये न बचाते तो हम भी साफ थे इस वक्त। सिर्फ हम साफ थे बल्कि नवीन फारिक, अच्छा हमजा फारिक, प्रॉपर गिलगित फारिक, अच्छा ठीक है, लंबी बात मैं आपके साथ नहीं करूंगा, ना मैं कोई लंबी बात करने के लिए आया हूं, तो ये मैं वजाहत मैं कर रहा था। तो इस तरह की बातें जो हम करते हैं तो उसको फिर पॉलिटिसाइज भी लोग करते हैं, यानी मुखालिफत में बात करने के लिए भी बैठते हैं। जो भी आप करेंगे तो उस पर जो है, अगर मैं चलास को वोट दे दूंगा तो फिर वो उसमें लिखेंगे जनाब अली कि ये जो है उधर बिक गया, वो डैम के पैसों पे बिक गया, तो उसमें बिक गया, तो उसमें डूब गया। अगर मैं जाके अभी अयूब भाई को मैंने वोट दिया तो बात तो आपके सामने बता दी कि मेरा वोट इतना भी कोई जरूरी नहीं था, चार पे भी ये जीत सकता था, चार पे भी जीत सकता था, लेकिन मैं अगर किसी और को देखकर वहां चार बनाता तो मसाइल आते। सिर्फ एहसान आप पर ये किया है कि वहां वोट नहीं दिया है, बाकी तो वैसे भी जीतना था, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो फिर लोग कहेंगे ये पीपल पार्टी को बातें करता था, तो ये पीपल पार्टी के लिए यही ये कहा था। तो मेरे और जलाल भाई के दरमियान ये हमारे पीर साहब के फर्जन है, हमारे तो इलेक्शन के दौरान यहाँ गुलाम अहमद और अयूब खान अयूब शाह के दरमियान भी बातें होती होंगी, राजा साहब के दरमियान भी होती होंगी, तो ये सारी चीजें होती है, तो ये इलेक्शन की हद तक चीजें होती है, ये एक मुकाबला। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जिंदगी और मौत के मामला में भी हम अपने जिद अनात और अपने अदब को सामने लाए, जान बचाने के मामले में भी ये सियासी इख्तलाफ नहीं लाया जाता है। तो एक ऐसी क्रूशियल टाइम पे भी इस तरह के इख्तलाफात सामने नहीं लाए जाते हैं। फिर हमारे इख्तलाफात है, फिर रहेंगे पीपल्स पार्टी के साथ हमारे, फिर लड़ेंगे, फिर झगड़े होंगे, फिर चीजें होंगी, लेकिन इलाका वतन और जहां हमारे मुश्तरक मफादात की बात आएगी, मैं तवक्कु रखूंगा, मैं खुद भी कुर्बानी देता हूं और दीगर लोग भी कुर्बानी देंगे और इलाके और इलाके के लोगों की बेहतरी में काम करेंगे। ये मेरा पैगाम है आपके लिए। तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं अयूब भाई को मुबारकबाद देता हूँ, ये अल्लाह ताला ने आपकी शराफत और आपकी नेकनीयती की वजह से आपको दे दिया है, जिस तरह मेरी नेकनीयती की वजह से वैसे ही मुझे वोट पड़ते हैं, वरना बसूरत दीगर तो मेरी खाता है, मेरे पास क्या है। तो ये चीजें अल्लाह ताला जो है ना वो आसमान पे कुछ फैसले करता है, कुछ कैरेक्टर बनाने की जरूरत है, कुछ अभी हमारे यंग लीडर्स बैठे हुए हैं, आपको कुछ कैरेक्टर बनाने की भी जरूरत है। मसलन आज के इस मौके से फायदा उठाकर मैं अपनी यूथ के बारे में ये बातें करता हूँ, अपनी यूथ के बारे में। अब एक चीज को देखे, इन्हीं इलेक्शन के दौरान पैसा सबसे बड़ा जो है वो था, मोहित था, मतलब बुनियाद पैसे पर थी। आप आराम से आसानी से आप चीज को चेक करें कि एक आदमी 4-5 करोड़ 2-3 करोड़ रुपए पे किसी का जमीर, मेरा जमीर खरीद सकता है, तो पैदा करने वाला और जिंदा रखने वाला अल्लाह परवरदिगार उसका अलग मेरा अलग नहीं है। एक आदमी को इतने पैसे दे दे कि वो मेरा जमीर भी खरीदे और मेरा अल्लाह मुझे कुछ भी ना दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसे जमीर बेच के लेने के बजाय जिसने उसको दिया है उससे मैं क्यों नहीं लेता हूं, मैं उस पर इतबार क्यों नहीं करता हूं। अगर पूजा नमाज रोजे और उन चीजों की बात होती तो इस्लाम आने से पहले भी अरब के लोग पूजा पाठ में थे, नमाजे रोजे ये सारी चीजें, जकात देखे आप हिस्ट्री पढ़े तो हजरत इब्राहिम से चल रही है, उससे पहले से भी।
लेकिन पैगंबर के उतारने का बुनियादी मकसद इबादत से कहीं ज्यादा तौहीद था। तौहीद का माना सिर्फ अल्लाह की जात को एक मानना नहीं, प्रैक्टिकल साबित करना है कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, यह साबित करना है। और जिंदगी के हर शोबे में साबित करना है कि हम तौहीदी है, हर कदम पर साबित करना है कि हम तौहीदी है, हर लम्हे में साबित करना है कि हम तौहीदी है। और जब कदम डगमगाए तो वो तौहीदी नहीं है, वो शिर्क की तरफ जाती है, वो बात है। तो लिहाजा हमें अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने जिम्मेदार लोगों को एक ही चीज करेक्टर बनाने की कोशिश करना है। ये दौलत पैसे से कोई काम नहीं बनेगा जब तक करेक्टर नहीं होता है। ये दौलत, ये हुस्न, ये ताकत, ये जवानी सारी चीजें कुदरत ने दी है, वापस छीन लेगी। मरने के बाद इसका कोई जिक्र नहीं है, आज के बाद कल इसका कोई जिक्र नहीं है। कोई चीज कयामत तक और कयामत के बाद बाकी रहेगी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ करेक्टर रहेगा, सिर्फ करेक्टर रहेगा। और हम अपने बच्चों को करेक्टर सिखाने की कोशिश करें, पैसे का, लालच का, इन चीजों के लत से हमें बाहर आना होगा। हाँ, ये दुनिया की जरूरत है कि हमें दौलत भी जमा करनी है, हमें पैसा भी जमा करना है, हमें जायज हलाल तरीके से कमाना भी है, अपनी जिंदगी को भी गुजारना है। ये कोई हम में फकीरी की बात नहीं करता, मैं कोई जो है ना उसको जो है उसके रहबानियत की बात नहीं करता। दुनियादारी करनी है, लेकिन हर कीमत, हर सूरत हराम से बच के चलने की जरूरत है। तो ये मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दे रहा हूँ। और उसके साथ एक मरतबा फिर आप सबका बहुत ज्यादा ममनून मशकूर हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया, आपने मुझे मोहब्बत दी, आपने मुझे खलूस दिया, आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया। और इसके साथ फिर मैं पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत का एक मरतबा गजिर के लोगों की तरफ से मशकूर हूँ कि आपने हमें एक सीट दी, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।